स्टडी कर रहा था, थोड़ा बहुत पेपर वेपर पे काम भी कर रहा था। मन था स्नेक के बारे में पढ़ने का, सांप पकड़ने का बड़ा शौक था। बट देन सडनली कुछ कुछ हुआ एंड एकदम से जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। एंड उस यू टर्न का इम्पैक्ट है तब से मैं महसूस कर रहा हूँ, आज जाके रिजल्ट देखने को मिला। सम गोल्स आर सो वर्थी, इवन फेलियर ब्रिंग्स ग्लोरी। दिस जर्नी ऑफ सिविल सर्विस इज लाइक दैट ओनली, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। इधर वी विन, वी गेट सिलेक्टेड और वी लर्न, इट्स एज सिंपल एज दैट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मायसेल्फ रूपक मजुमदार। दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल बी सेइंग अ फ्यू थिंग्स and I know these words, it won't mean so much for at least those students jo abhi preparation shayad start kiye hain, unke liye utna zyada shayad impactful na ho, but jo abhi process mein kuch cheeze aapne already experience kiya hai, kuch cheeze main apna bataunga. The journey is started in 2016, November 16, 2016, I remember exactly. I got a scholarship from Ajmal Foundation preparing for you know civil service examination in Delhi GS Mentos. There was perhaps the moment jahan se zindagi ne ekdam se U-turn liya tha. Main study kar raha tha, zoology was my background, snakes hamesha se pasand the, study kar raha tha, thoda bahut paper paper pe kaam bhi kar raha tha. Man tha snake ke bare mein padhne ka, saanp pakadne ka bada shauk tha. But then suddenly kuch kuch hua and ekdam se zindagi ne U-turn le liya. एंड उस यू टर्न का इम्पैक्ट है तब से मैं महसूस कर रहा हूँ, आज जाके रिजल्ट देखने को मिला। 2016 के बाद से देयर वेर फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड फेल्ड अटेम्प्ट्स कुछ चीजें लास्ट ईयर ऑल्सो 2018 APSC CC इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, बट देन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। सो आई वॉज एसोसिएटेड विद Maryam Ajmal Women's College of Science and Technology. I was a faculty out there, and also in Ajmal College of Arts, Commerce and Science, I was a faculty. So it's been long I am associated with our Ajmal Foundation as a whole. Certain things that I have learned from foundation and which really helped me throughout my journey, particularly if I mention our director sir, Khasrul Islam sir, Dr. Khasrul Islam sir. The way he lives his life and the way he, you know, help those who really needs it. Of course, our trustee Badruddin Ajmal sir is there, but then Khasrul sir and his personality is something that I think many of us get motivated by that, and I am also one of them. क्या importance होता है coaching का? हमारा जो IAS coaching program है यहाँ पे हो जाए में, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या रियली इंपॉर्टेंट होता है कोचिंग। मैं खुद फैकल्टी रह चुका हूँ सिविल सर्विस मेंटरशिप प्रोग्राम में, फ्रीलांसिंग करता था, तो मैं भी कोचिंग से ही जुड़ा हुआ था रिसेंट पास्ट 1-1.5 साल से। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो मैं कोचिंग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा गाइडेंस। वो एक इंसान थे जिन्होंने गाइड किया था मुझे एज अ ह्यूमन बींग बनने में। बाकी सिविल सर्वेंट तो बन ही जाते हैं, बहुत लोग बन ही जाएंगे, आगे भी बनेंगे और बनते रहेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ आती है समाज के लिए, दूसरों के लिए काम करना, आप अगर सिविल सर्वेंट ना भी बनो, बहुत यहाँ पे बच्चे ऐसे होंगे, शायद मैं दुआ करूंगा सबका हो जाए, बट द रियलिटी सबका सिलेक्शन नहीं होता है, दैट इज द हार्श रियलिटी। अगर सिलेक्शन ना भी हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप सिविल सर्वेंट ACS या IAS या जो भी बाकी आपके नाम के साथ जुड़ता है जो टैग, उसके बिना भी आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। एंड सिविल सर्विस की जर्नी हमें वही सिखा दी एक्चुअली, शनोल सर ने ऑलरेडी ये बताया है, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर विजन जो आप डेवलप करते हो सोसाइटी के लिए, एंड खुद को जो प्रेजेंट करने की कैपेसिटी होती है।